विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान आज, दांव पर लगी दिग्गजों की साख, 13 मई को होगी मतगणना। अब यूपी चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत, सपा के गढ़ में गरजेंगे योगी, कन्नौज में अखिलेश मांगेंगे वोट। दिल्ली में प्रोफेसरों की नियुक्ति में हुआ घोटाला, सामने आई बड़ी धांधली, एलजी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली आबकारी मामले में दाखिल चार्जशीट में गलती से जुड़ गया था मेरा नाम, आप सांसद संजय सिंह का दावा, ईडी ने जताया खेद। शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर मांगी जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस किया जारी। जंतर मंतर पर पहलवानों का ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 11वें दिन भी जारी, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने पहलवानों से की मुलाकात। एनसीपी में इस्तीफों का दौर शुरू, जितेंद्र अवाहट ने एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी पद से दिया इस्तीफा, तो विधायक अनिल पाटिल ने भी किया इस्तीफे का ऐलान। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना आज, 102 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। दिवालिया घोषित करने के गो फर्स्ट की अर्जी पर आज एनसीएलटी करेगा सुनवाई, कर्ज देने वाले बैंकों के शेयर औंधे मुंह गिरे। कोरोना के एक्टिव केस में आई कमी, 24 घंटे में 3720 नए मामले आए सामने, 20 लोगों की गई जान। सर्विस सेक्टर ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, अप्रैल 2023 में सबसे तेज रही ग्रोथ। स्वीडन बना रहा है दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक सड़क, चलते चलते चार्ज हो जाएंगे सारे ईवीएस। गो फर्स्ट की आंधी में बैंकों को लगेगी 6521 करोड़ की चपत, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने दिया था कर्ज। मौसम ने लिया यू टर्न, राजधानी दिल्ली में आज भी होगी बारिश, केदारनाथ में बर्फबारी के आसार। द केरल स्टोरी पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, 5 मई को होगी रिलीज।